हेलो, मैं क्वेश्चन ऑन दिस यू का बोल बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ। जैसे कि मैंने लेवल बोला था, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं हुआ है क्योंकि मैंने लेवल बोला था, कौन सा लेवल था ये देखो, ये वाला 590 का, मतलब जैसे ही 600 के ऊपर जाए तब बाय करना है। और यहाँ पे क्लियरली बोला था 400 के ऊपर 380, मैंने बोला था 380-390 के ऊपर बेस्ट है कि 400 के ऊपर बाय कर लेना। तो जैसे ही 400 के ऊपर गया, ये देखो रैली आपको सीधा 660 तक मिली है, मतलब यहाँ पे 250 पॉइंट का रैली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको निफ्टी में मिला है। ये होता है लेवल का कमाल, लेवल के हिसाब से ट्रेड करो, हमेशा फायदे में रहते हो। ठीक है, अभी देखते हैं पहले बैंक निफ्टी, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक ये लेवल ब्रेक नहीं किया है। तो अगर कल ये लेवल ब्रीच हो जाता है 600 का, तो आपको बैंक निफ्टी में भी 200-500 पॉइंट का रैली ऊपर वाले लेवल में दिख सकता है। व्हाई? क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट उस लेवल के ऊपर होने वाला है, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। और निफ्टी में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो चुका है, तो अभी थोड़ा रिस्की रहेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ओपन क्लोज आसपास है, ये ओपन, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ठीक है, और ये हाई भी उसी के आसपास है। तो ये अभी हो गया उसका मेजर रेजिस्टेंस। अगर ये यहां से ऊपर चला जाता है 730 के ऊपर, मतलब जो भी 740 के ऊपर सस्टेन होता है, तो आप बाय कर सकते हो। यहां से आपको एक ऊपर वाला मोमेंटम मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एक हाथ ऐसे रेड कैंडल भी आ जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको ग्रीन कैंडल मिले। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, लेकिन इसके ऊपर ही बाय करना है। शॉर्ट का थोड़ा सा ट्रेड अभी इग्नोर करने वाले हैं, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में तो लेवल बता दिया है कि इसके ऊपर बाय करेंगे। शॉर्ट का ट्रेड बेटर है कि इस लेवल के नीचे आप करो, एक मोमेंटम दिख जाएगा आपको। जो हमारा लेवल है 5 to 180 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बन जाए। ओके, डोजी टाइप कैंडल है, इसके लो ब्रेक होने के बाद एक छोटा बहुत ट्रेड हम ले सकते हैं शॉर्ट में। तो चलो अभी देखते हैं ऑप्शन चेन, क्योंकि कल थर्सडे है, तो आपको मिलेंगे निफ्टी की एक्सपायरी। ये रही निफ्टी की ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन बता रही है कि 24,500 को हेवी रेजिस्टेंस दिख रहा है, और सपोर्ट आपको दिख रहा है 24,300 के आसपास। ओके, चलो तो बेसिकली हमें निफ्टी स्पॉट लगाना पड़ेगा। देखो 500 का ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, और देखो मार्केट जो है ना वो क्लोज हुआ है 484। तो कल अगर ये देखो यहाँ पे, अगर स्पॉट में देखते हो, तो 1, 2, 3 और 4 टाइम्स एक ही जगह से रेजिस्टेंस लिया है अभी भी। तो कल अगर ये हाई ब्रेक होता है स्पॉट में, तो आपको दिखेगा 500 में जो भी शॉर्ट सेलर बैठे हैं, कॉल शॉर्ट सेलर, वो सब क्या करेंगे, शॉर्ट कवर करेंगे। तो एक मूवमेंट बन सकता है, और वो अगर जीत जाते हैं तो एक रेड कैंडल आपको दिख जाएगी कल के दिन नीचे। तो चलो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हाई ब्रेक होने के बाद जो हमारा लेवल है 550 का, तो 24,550 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आप बाय कर सकते हो, आपको हेवी बाइंग मिल जाएंगी ऊपर वाले लेवल पे, बहुत अच्छा कैंडल मिल जाएगा आपको ऊपर वाले लेवल पे। तो चलो, आई होप एंड यू अंडरस्टूड द लेवल्स ऑफ ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर टुमारो, दैट इज थर्सडे निफ्टी एक्सपायरी। और लेवल पे ट्रेड करने से पहले आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर एक बार कंसल्ट करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल करें, आप डिटेल ले सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। आई एम अवेशन ऑन दिस यूए कैपिटल। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।